विधायक ने मेरी बेटी से रेप किया, आवाज उठाई तो चार लोग मारे गए, मैंने अब तक किसी की 13वीं नहीं की। आइए जानते हैं ऐसी दर्दनाक घटना के बारे में। आप भी इस लड़की के लिए अपनी आवाज बुलंद करें ताकि न्याय मिल पाए। कुलदीप सिंह सेंगर को रेप पीड़िता के 2019 में हुए मामले में दोषी पाया गया था। पीड़िता के साथ साल 2017 में बलात्कार हुआ था। दो साल के बाद पीड़िता का एक रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर का नाम आया था। इसी मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। दरअसल जुलाई 2019 में उन्नाव रेप कांड की पीड़िता अपने परिवार के कुछ सदस्यों और अपने वकील के साथ कोर्ट जा रही थी, तभी एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी थी जिसमें पीड़िता के दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी। इस हादसे के पीछे कुलदीप सिंह सेंगर का हाथ बताया गया था। पीड़िता ने सेंगर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। सेंगर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। सेंगर को क्या सजा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको बता दें कि सेंगर पर ही पीड़िता ने रेप का भी आरोप लगाया था। इस मामले में 9 अन्य आरोपियों को भी सजा सुनाई थी। पीड़िता के परिवार ने दुर्घटना के पीछे साजिश का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि उन्नाव रेप कांड मामले में सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई दी गई थी। वहीं 4 मार्च 2020 को कुलदीप सिंह सेंगर, उसके भाई और 5 अन्य को 10 साल की सजा सुनाई थी। सेंगर जैसे ताकतवर आदमी से लड़ाई में मेरे घर की 4 मौतें हो चुकी थी, मेरे पति की, मेरी सास की, मेरी देवरानी की और उसकी बहन की, और देवर अभी भी जेल में हैं। चारों बेटियां जवान हो चुकी हैं, शादी के लायक हैं, लेकिन मैंने अभी तक अपने घर के मरे हुए लोगों की 13वीं नहीं की है। कौन करेगा 13वीं? मर्द तो घर में सिर्फ मेरा देवर ही बचा है, वो भी जेल में है। तो आप लोगों का इस दर्दनाक घटना के बारे में क्या कहना है और रेप करने वाले लोगों के साथ क्या करना चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।